हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राहुल फार्मेसी को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में, वायरल डिसीज के बारे में। टाइम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की दिक्कत अगर पेशेंट को हो रही तो वो है वायरल डिसीज, वायरल फीवर, तेज बुखार, ठंड लग के बुखार आना, प्लेटलेट काउंट कम होना, TLC बढ़ जाना, इस तरह की बहुत दिक्कत हो रही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में बात करते हैं वायरल फीवर क्या है। वायरल फीवर हमारे शरीर के अंदर कैसे पहुंचता है, उससे और कौन कौन सी दिक्कत होती है। वायरल फीवर होता है कि जब हमारी WBC कम हो जाती है, TLC कम हो जाती है, TLC बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन जो है वायरल फीवर होने के चांसेस ज्यादा हुआ। वायरल डिसीज बहुत तरह की, जैसे नौजिया, वोमिटिंग, हेडेक, इस तरह की लूज मोशन, इस तरह की वायरल ही डिसीज होती है। जैसे सर में दर्द, तेज बुखार, ठंड लग के बुखार आना अचानक से, इस तरह की दिक्कत को वायरल फीवर कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि वायरल फीवर को कैसे ठीक करना है और कौन कौन सी मेडिसिन कितने दिन तक लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फीवर, वायरल फीवर में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है तेज बुखार। हम तेज बुखार अगर किसी पेशेंट को आ रहा, ठंड लग के बुखार, तो हम कैसे ठीक करेंगे उसको। वायरल बुखार को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें CBC विडाल टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर करवाने की सुविधा है घर पे तो आप करवा सकते हैं, नहीं सुविधा है तो आप मुझसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से मेडिसिन बता दूंगा। बाकी आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं और आपको रिस्पांस अच्छा। वायरल फीवर होने पे सबसे पहले आपको तेज लग के बुखार, ठंड लग के, इस तरह का दिक्कत होती, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले Dolo 650 तीन टाइम खाना है, खाना खाने के बाद, और Mono 200 या Gudsafe 200, जिसके वहाँ कॉम्बिनेशन होता है Ciprodaxime, ठीक है। इस टेबलेट को आपको सुबह शाम खाना है, एज एंटीबायोटिक है, और Azithromycin एंटीसेप्टिक मेडिसिन ये भी है, जो कि 500 mg के, इसको आपको 5 दिन तक दोपहर में खाना है। इसके साथ में आपको Acylcardi खाना है सुबह शाम में, जो कि आपको इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, गैस की दिक्कत होगी वो खत्म हो जाएगी। तो ये सुबह शाम आपको खाना है। ये हुआ वायरल बुखार का ट्रीटमेंट, ठीक है। मात्र 3 से 4 दवाइयाँ हैं जो कि आप वायरल बुखार में ठीक कर सकते हो अपने वायरल बुखार को, इस दवा का इस्तेमाल। दूसरा है कि आपको रोज मोशन होना या अगर कोई दिक्कत हो रही तो आपको लूज मोशन अगर हुआ तो आप Zinflax शोल्डर खा सकते हो, उसके साथ में Meptal Spas खा सकते हो, Acylcardi खा सकते हो। ये टेबलेट आपको काम करेंगे लूज मोशन को ठीक करने के लिए। पेट में दर्द होना, बार बार लूज मोशन की होने की, कभी कभी बच्चों में दस्त होती है तो उनके लिए सिरप आता है Oflo-M, Oflo-Metro, Fluxacin, Metronidazole, जो काम दे सकते हो। लेकिन एडल्ट लोगों में अगर इस तरह की लूज मोशन वायरल है तो आप उनको Zinflax शोल्डर, Meptal Spas, Acylcardi सुबह शाम दे सकते हो, और उसके साथ में आप जिंक सिरप को बच्चों को दे सकते हो, और जिंक पाउडर आता है ORS के नाम से, जो कि आप पेशेंट को दे सकते हो। उससे क्या होगा कि उसका जो डिहाइड्रेशन होगा वो खत्म हो जाएगा, पानी की कमी नहीं रहेगी, उसको मुंह नहीं सूखेगा, इस तरह की जो दिक्कत होगी वो ठीक हो जाएगी वायरल डायरिया में, ठीक है। वायरल फीवर की मेडिसिन हमने बता दी, आप डायरिया की हमने मेडिसिन बता दी वायरल, तो ये दो बीमारी की हमने बता दी, ठीक है। और कभी कभी होता है कि कफ कोल्ड यानी कि खांसी, तेज बुखार साथ में होना, आप तीसरे नंबर पर आइए, मेडिसिन के बारे में बताते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही तो आप मोंटिकोप रात में सोने के टाइम, आस्थाकंड ले सिरप 5-5 ml 3 टाइम सुबह शाम बाहर ए पी सकते हो, Moxicand CB खा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा खांसी वगैरह आ रही है आप इस टेबलेट को खा सकते हो, ठीक है। और दर्द है तो शरीर में बुखार है तो आप Zyrodalpi खा सकते हो सुबह शाम में, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बहुत अच्छा रिस्पांस इस टेबलेट से मिलेगा आपको। कि आप मोंटिकोप खा सकते हो, आप गले में खराश होना, एलर्जी तरह की होना, इसमें सबसे अच्छा रिस्पांस मिलता है इस टेबलेट को, जो कि आप इसको खा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। तो ये था वायरल फीवर के बबारे में, वायरल डिसीज के बारे में, कुछ 3-4 तरह की दवाइयाँ और बीमारियों के बारे में वीडियो। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।